बहुत डिफिकल्ट है. एक लेवल की मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. कि एवरेज टाइम इज अराउंड 6 hours to 8 hours, समटाइम्स ऑफ कोर्स 12 आवर्स तक ओटी यहां पे चली है. JR1 JR2 JR3 यू आर एट द टॉप ऑफ द लैडर एंड देन अगेन बुश. आपके पास बर्डन सबसे ज्यादा होता है. MS कंप्लीट कर चुके हो, यू आर अ प्रैक्टिशनर, यू आर आई मीन एक्चुअली एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन. हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवांग एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर डुओ. As you all know, I have joined RML and I'm currently doing MCH gastro surgery from here. So I was getting a lot of pings and messages ki yaar what is the schedule actually. To be very honest, I am not very active on Instagram and YouTube for these 1 month. Reason being, बहुत hectic था यार, because again you have to join as an SR1, right? So right, JR1, JR2, JR3, you're at the top of the ladder and then again, bush. See, I wouldn't say ki SR1 or JR1 एक ही चीज़ है. Of course, there is a world of difference, but when you are the most junior in a course, then obviously आपके पास burden सबसे ज़्यादा होता है. So I wouldn't say यार कि ये यहाँ पे residency जो आपकी MS जैसा था उस level का load है कि यहाँ पे 36 घंटा 70 घंटा आपको duty करा रहे हैं. It's not like that, but एक mental pressure दिया जाता है, because जब आप MCS में होते हो, a certain level of maturity, एक certain level of आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार अब आप MS कंप्लीट कर चुके हो, यू आर अ प्रैक्टिशनर, यू आर आई मीन एक्चुअली एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन. एक लेवल की मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. सो शेड्यूल बेसिकली यहाँ पे ऐसे रहता है यार, आई गेट अप एट अराउंड 6:30 or 7 एंड आफ्टर हैविंग अ बाथ एंड ऑल आई रश टू द हॉस्पिटल. सो वी आर करंटली नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल, हमने हमारा खुद का फ्लैट है यहाँ पे, विच इज जस्ट आई थिंक 5 to 6 minutes अवे, आई वुड से जस्ट 3 kilometers. सो आई रश ऑफ टू द हॉस्पिटल एंड रीच ओवर देयर बाय 7:30 AM. वहाँ पे वी हैव टू टेक ऑल द राउंड्स. सी वहाँ पे क्या अरेबल में, दे आर फिक्स नंबर ऑफ बेड्स एंड दे आर 2 units. तो जो मेरे यूनिट का है, आई हैव टू सी ऑल द पेशेंट्स प्लस अदर यूनिट के आपको केसेस पता होने होते हैं. कि ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिट का नहीं है, देन यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, बिकॉज इन द एंड दिस इज लर्निंग ना, द मोर यू सी द मोर यू लर्न. तो आपने अपना फटाफट सारा राउंड ले लिया, आफ्टर विच जो सीनियर्स आते हैं दे ऑल्सो टेक द राउंड एंड जो अपने इनपुट्स देने हैं वो, देन देयर इज अ डिस्कशन वेयर वी सिट एंड वी डिस्कस. द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर आरएमएल इज कि यहाँ पे डिस्कशन बहुत चलता है यार. मतलब इट्स नॉट लाइक आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट नहीं करते हो या अपने कंसल्टेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हो, यू डू इंटरेक्ट, यू एक्चुअली गेट टू लर्न बाय इंटरेक्टिंग ओनली. तो जितने भी आपके केसेस हैं, फॉर एग्जांपल मान लो सीए पैंक्रियास का एक पेशेंट है, सो वंस यू हैव टेकन द राउंड वी विल सिट इन द रेसिडेंट रूम जहाँ पे सारी सीटी इमेजेस लगेंगी, देन वी टेक द सीडी, उसको हमने कंप्यूटर पे डिस्कस किया इमेजिंग कि यार इसका ये लग रहा है, ये इन्वॉल्व हो गया एंड क्या फॉर द प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए. व्हाट आई बिलीव, जो ये डिस्कशन वाला पार्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसी से आप ग्रो करते हो, बिकॉज यहाँ पे सब लोग एक साथ हैं, सबका ओपिनियन आपको जानने को मिलता है. सम विल से कि यार इसका ये ट्यूमर रिसेक्टेबल है क्योंकि ये आप कर सकते हो. सम पीपल से नो यार मे बी वी शुड फर्स्ट गिव कीमोथेरेपी बिकॉज दिस इज इन्वॉल्विंग दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो ऐसे कर करके एक सॉलिड डिस्कशन हो जाता है. तो आफ्टर ऑल द राउंड्स एंड डिस्कशंस, हमारे अलग अलग डे अलग अलग शेड्यूल होता है. सम डेज आई हैव ओपीडीज एंड सम डेज आई हैव ओटीज. बस बेसिकली यही दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. जिस दिन ओपीडी होती है, वी सिट इन द ओपीडी एट अराउंड 9:30 AM एंड हमारा 2, 3, 4 PM तक ओपीडी जाता है. ओपीडी पे रश यहाँ पे अच्छा खासा होता है. एंड जिस दिन ओटी होती हो, टाइमिंग वो भी सेम ही है, अराउंड 9 o'clock पे ओटी स्टार्ट हो जाती है एंड इट फिनिशेस बेसिकली बाय 5 or 6. समटाइम्स ऑब्वियसली जब कोई बहुत ज्यादा कैंसर के केसेस हैं जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हो, दे कैन एक्सटेंड अप टू नाइट ऑल्सो. बेसिकली आई वुड से एक एवरेज लॉन्ग ओटी एंड शॉर्ट ओटी होती है. तो जो लॉन्ग ओटी है उसकी एवरेज टाइम इज अराउंड 6 hours to 8 hours, समटाइम्स ऑफ कोर्स 12 आवर्स तक ओटी यहाँ पे चली है, इवन मोर. एंड शॉर्ट केसेस मल्टीपल आप इस तरह ले रहे होते हो. सो वंस यू आर फ्री फ्रॉम द ओटी एंड ऑल, यू अगेन टेक अराउंड, क्योंकि इतनी देर पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एंड क्या डेवलपमेंट हुए, जो इन्वेस्टिगेशन आपने मॉर्निंग में भेजे थे वो आए कि नहीं, यू चेक दैट एंड यू टेक अराउंड अगेन. आफ्टर विच यू गेट टू स्टडी फॉर सम टाइम. सो सी MCH में यू हैव टू स्टडी अर लॉट. दे से कि यार नाउ लाइक यू आर सुपर स्पेशलिस्ट, राइट? सो यू हैव टू नो इन डेप्थ नॉलेज एंड पढ़ने के लिए तो बहुत मटीरियल है यार. यू डोंट ओनली हैव टू रीड द बुक्स, प्लस यू हैव टू रीड द पेपर्स ऑल्सो. जो रिसेंट एडवांसेस है, जो इस समय रिसर्चेस चल रहे हैं, दैट ऑल्सो हैज टू बी रेड. तो एक दो घंटा हम लोग वहीं पर पढ़ाई करते हैं. बेसिकली वहीं पर हमारा जो रेसिडेंट रूम है, दैट इज क्वाइट नाइस. वहाँ पर एक अच्छा एनवायरमेंट भी बना रहता है एंड जब कई लोग होते हैं तो डिस्कशन भी अच्छे से हो जाता है पढ़ते पढ़ते. सो वी डिस्कस ओवर देयर, फॉलोड बाय राउंड्स अगेन. सो यू कैन सी ना मल्टीपल राउंड्स हो जाते हैं, तो पेशेंट केयर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है. सो वी टेक राउंड्स अगेन एट 9 PM आई वुड से. एंड जब हम पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर देते हैं, वी हैव टू रिपोर्ट ऑल्सो टू द कंसल्टेंट एंड डिस्कस हर एक पेशेंट का विद हिम, वेयर अगेन वील गेट द फाइनल इनपुट्स फ्रॉम हिम कि किस पेशेंट के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस सम्स अप द डे एंड आते आते समटाइम 10:30 11 PM ऐसे कुछ हो जाता है. बट
यस देयर आर नो एमरजेंसीज आरएमएल एज ऑफ नाउ. सो ऐसा नहीं है कि रात के 3 AM पे न्यू एडमिशन होंगे, लाइक जनरल सर्जरी में होता है ना, आपके एमरजेंसीज में होते हैं. एज ऑफ नाउ आरएमएल पे अभी वो नहीं है, एमरजेंसीज नहीं है. एमरजेंसीज आर बीइंग टैकल्ड बाय जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट एंड एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट अलग से वहाँ पे. बट ऑफकोर्स अगर जनरल सर्जरी वालों को लगे कि इसमें गैस्ट्रो सर्जरी का ओपिनियन चाहिए, देन दे कैन कॉल अस एनी टाइम. सो ये एक बेसिकल शेड्यूल हो जाता है. इसकी वजह से आपका होल डे में आप इतना ऑक्यूपाइड होते हो ना, नॉट ओनली सीइंग द पेशेंट बट देन रीडिंग अबाउट दोस केसेस, डिस्कसिंग विद योर सीनियर्स, देन डिस्कसिंग इट विद योर कंसल्टेंट्स एंड देन इनटू ऑपरेशंस, कि आपका एक फुल डे का पूरा एक ऑक्यूपाइड वो रहता है. सो उसके बाद आने के बाद कितना टाइम मिलता है यार, उसके बाद थोड़ी देर सो गए या थोड़े बहुत कभी कभी बाहर निकल लिया थोड़ा बहुत. तो दिस इज द रीजन आई वॉज ऑल्सो वेरी इनएक्टिव इन माई सोशल मीडिया, बिकॉज इट्स एक्चुअली न्यू थिंग ना. अभी आया हुआ कितना, जस्ट 1 month हुआ है. सो वी आर ऑल्सो स्टिल अडेप्टिंग टू दिस थिंग. तो उसी में पूरा डे बेसिकली निकल जाता है. सो ऑफकोर्स आई विल बी टेलिंग डिटेल्स अबाउट द स्केड्यूल, विल ऑल्सो बी शेयरिंग अबाउट सम केसेस विच आई हैव सीन एंड विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ टिप्स रिगार्डिंग गैस्ट्रो सर्जरी एंड योर गट हेल्थ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट.